तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोमन नंबर रिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोमन नंबर्स किस तरीके से लिखते हैं, और आज का हमारा लेक्चर है रोमन नंबर्स रिवीजन लेक्चर। तो सबसे पहले आरुषि, 10 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? एक्स। कितनी बार? एक बार। हर्षी, 20 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? डबल एक्स या 2 times एक्स। विदुषी, 30 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? 3 times एक्स या 3 times एक्स। आरुषि, 50 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? एल। एक बार एल। तो बच्चों रोमन नंबर्स में 10 को लिखते हैं एक्स, 20 को 2 times एक्स या डबल टाइम एक्स, 30 को अनुज, 30 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? 3 times एक्स। 50 को एल। आरुषि, 100 को सी और 200 को दो बार सी या 2 times सी। ठीक है, कितने बार सी? 2 times। एक बार को सी और दो बार को या 200 को क्या लिखते हैं? 2 times सी। 40 को क्या लिखेंगे विदुषी? 40 को एक्सएल, यानी कि सबसे पहले एल और इससे पहले क्या लगाते हैं? एक्स। 50 में से 10 माइनस कितने बचे? 40, यानी कि 40 को एक्स एल। 90 को आरुषि? एक्स सी, क्योंकि सी होता है बच्चों हमारा 100 और 100 में से 10 गए कितने बचे? 90, यानी कि 90 को एक्स सी। 99 को बच्चों एक्स सी आई एक्स। ध्रुव, 99 को एक्स सी आई एक्स। 49 को विदुषी, 49 को आरुषि एक्स एल, एक्स एल होता है 40 और 9 को आई एक्स। 9 को ध्रुव आई एक्स, क्यों? बिकॉज एक्स होता है 10 और 10 में से 1 माइनस कितने बचे? 9, यानी कि 9 को आई एक्स। 98 विदुषी, पहले 90 को लिखेंगे एक्स सी और 8 को वी आई आई आई, यानी कि सबसे पहले 90 को एक्स सी जैसे हमने यहां पे लिखा ऊपर, इसके बाद में 8 को वी और कितनी बार आई? 3 बार आई। ध्रुव, 8 को वी आई 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 वी और कितनी बार आई? 3 बार। 29 हर्षी, डबल एक्स आई एक्स, डबल एक्स का मतलब 20 और 9 के लिए आई एक्स। 39 आरुषि, 39 आरुषि, 39 आरुषि, 3 times एक्स और इसके बाद आई एक्स। 93 ध्रुव, सबसे पहले 90 को लिखेंगे एक्स सी और 3 के लिए 3 बार आई, इसके बाद अनुज, 7 के लिए नहीं पता वी और 2 बार आई। 5 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? 6 के लिए वी आई, इसके बाद 4 के लिए आई बी, 3 के लिए 3 times आई। तो इसके बाद आरुषि 400 को, आरुषि 400, सबसे पहले बताओ 500 को क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? डी। 1000 को एम, और इसके बाद अगर बात करें 400, सबसे पहले डी, डी के लिए हम क्या यूज करते हैं, या 500 के लिए डी, 400 के लिए सी डी, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500। तो 500 में से अगर 100 गए कितने बचे? 400। विदुषी, 300 के लिए,
थ्री टाइम्स सी, क्या लिखते हैं? थ्री टाइम्स सी। सी का मतलब 100, डबल सी का मतलब 200, थ्री सी का मतलब 300, 317। विदुषी 317, सबसे पहले थ्री टाइम्स सी और इसके बाद में एक्स और इसके बाद वी और टू टाइम्स आई, 300 और एक्स वी का मतलब 15 और इसके बाद दो बार आई, तो क्या बना 317। 900 आरुषि, 900 इन रोमन नंबर्स, सबसे पहले एम, एम किसके लिए यूज होता है बच्चों? 1000, अगर इसमें से 100 गए क्या बचा? 900, तो 900 के लिए सी एम। 59 विदुषी, आरुषि, हर्षि, एल आई एक्स। 92 विदुषी, एक्स सी और टू टाइम्स आई। 54 हर्षि, एल आई वी। 102 ध्रुव, 102 सी और टू टाइम्स आई। 105 विदुषी, सी वी। अनुज 13, एक्स और थ्री टाइम्स आई। 20 डबल एक्स, दो बार एक्स या टू टाइम्स एक्स। 30 थ्री टाइम्स एक्स। 50 एल। 90 एक्स सी। 99 एक्स सी आई एक्स। 93 थ्री टाइम्स आई। 15 एक्स वी। 21 टू टाइम्स एक्स और एक बार आई या वन टाइम आई। 29 बताओ, डबल एक्स आई एक्स। 34 थ्री टाइम्स एक्स आई वी। 4 के लिए क्या लिखते हैं? आई वी। 5 के लिए, 5 के लिए वी और 4 के लिए आई वी। 10 के लिए एक्स। 20 के लिए डबल एक्स। 30 के लिए 3x। 50 के लिए एल। 40 के लिए एक्स एल। 90 के लिए एक्स सी। 100 के लिए सी। 100 के लिए यूज करते हैं सी। 500 के लिए डी। 1000 एम। 900 सी एम। 59 एल आई एक्स। 92 एक्स सी टू टाइम्स आई आई। 54 एल आई वी। 5 के लिए वी। 4 के लिए आई वी। 34 थ्री टाइम्स एक्स आई वी। 21 आई। 29 डबल एक्स आई एक्स। 15 एक्स वी। 93 एक्स सी थ्री टाइम्स आई। 99 एक्स सी आई एक्स।